अंबिकापुर में खस्ता हाल सड़क को लेकर आज भाजपा युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन किया, जहां भाजपा युवा मोर्चा ने शहर के अंबेडकर चौक में धरने पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द सड़क मरम्मत कराए जाने की मांग की है और एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने छत्तीसगढ़ राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने भी धरना स्थल पर पहुंचे और जमकर राज्य सरकार पर बरसे। सड़क की रिपेयरिंग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस संबंध में बताना चाहूँगा कि कलेक्टर महोदय ऑलरेडी सीएल बैठकों में लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं और सभी विभाग जो रोड का जिनको जो रोड बनाते हैं या मेंटेनेंस करते हैं उन सभी को कलेक्टर साहब ने बड़ा सख्त निर्देश दिया है, सभी बैठकों को लगातार तत्काल रिपेयरिंग करें ताकि कभी भी कोई दुर्घटना की स्थिति ना बने। और आप लोग देख सकते हैं अम्बेडकर चौक की रिपेयरिंग ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें कलेक्टर महोदय द्वारा कंक्रीटिंग के निर्देश दिए गए हैं। रामविचार नेताम जी पहुंचे हुए हैं, रामविचार नेताम जी हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार रोडों की हालत जो सरगुजा की रोड की हालत है उसमें क्या बोलना चाहेंगे? जी जो सरगुजा की रोड की हालत अंबिकापुर की उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए इसीलिए तो पूरा युवा मोर्चा आज मैदान में आकर के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहा है, शासन प्रशासन के ध्यान आकर्षित करना चाहता है कि आज ये कांग्रेस की सरकार में जिस प्रकार से रोड इतनी बुरी हालत में हो गया है कि चलने लायक नहीं है, आज तो नगर अंबिकापुर की हालत इतनी खराब हो रही है कि कोई देखने सुनने वाला नहीं है। नगर निगम भी अपना हाथ मेरे ख्याल से वो खींच लिया है और इस ओर जरा भी उनका ध्यान नहीं है। मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ ये सरकार से कि अविलंब इन सब की समस्या को दूर करें और नगर ही नहीं बल्कि सरगुजा जिला ही नहीं बल्कि पूरे संभाग की सड़कें प्रदेश की अंदरूनी जितने सड़कें हैं उस सब की स्थिति खराब है। इन सब समस्या को लेकर के युवा मोर्चा मैदान में उतरा है, यदि ये काम पूरा नहीं होता है तो आगे चल करके और भी संघर्ष तेज किया जाएगा। हमारे साथ रामविचार नेताम जी जो अंबिकापुर में सड़क रोड पर बैठे हुए और देख सकते हैं कि मैं अपने सभी कुछ बताऊंगा किस प्रकार से लगा के और हेलमेट लगा के लोगों विरोध प्रदर्शन। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करते हैं किस प्रकार रोडों का हाल क्या है। अंबिकापुर नगर निगम की जो सड़कें हैं उसके सहित सरगुजा जिले के कोने कोने की जो सड़कें हैं वो गड्ढे ही गड्ढे हैं, धूल ही धूल है, मरम्मत का कोई ठिकाना नहीं है, रोज एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जान चली जा रही है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी सरकार भर्रासाई सरकार के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा है। इसको लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा आज सड़क के लिए सड़क पर बैठी है, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जिसको लेकर आज अंबिकापुर के अंबेडकर चौक में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो रोडों की हाल को लेकर किया जा रहा है। अंबिकापुर से कैमरामैन वसीम के साथ चंद्रशेखर गुप्ता सरगुजा। इनको बोला है क्लियर करने के लिए, क्लियर कर दी है रोड, इनको जितना टाइम दिया गया था उसमें क्लियर कर दी है तो कार्रवाई की जरूरत नहीं फील हो रही है। बिल्कुल उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ट्रैफिक का भी सर ने बहुत हमारे एस पी सर ने बहुत अच्छा साइंटिफिक एनालिसिस किया है कि कहाँ कहाँ पे साइन बोर्ड लगना है, कहाँ पे लेन लगना है, उसका एक पूरा अच्छा डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, उसका हम लोग उसको ऊपर भी भेजेंगे और सड़क जो हमारा ट्रैफिक सुरक्षा कमेटी रहता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इंजीनियर्स हो गए शासन हो गए उन सबसे हम लोग बात करके जो जो दिक्कतें हो रही है हम लोग पुट अप करेंगे। सड़क की